तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है, सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चली आई इस पार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार. इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा, मुझसे तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे नजर की ओट पड़े तो बुझे प्यास मिलन की, तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में।
तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। यूं लगा मानो रफी साहब खुद अपने कंठ से बहुत ही शानदार प्रस्तुति मिस्टर जोगिंदर जी की तरफ से बहुत ही दिल से गाया, वाकई में दिल से गाया इन्होंने। यूं लगा मानो रफी साहब को हम लाइव सुन रहे हैं। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रफी साहब के आगे और पीछे न कोई हुआ और न कोई होगा। इसलिए हम तो उनके पैरों की धूल बन जाएं मात्र तो हमारा नसीब समझेंगे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये शब्द रफी साहब ने किसी महबूबा के लिए गाए थे, मगर इन शब्दों को उनके लिए आज गाया जाए तो कम न होगा, क्योंकि वो खुद भी एक बेमिसाल थे, एक याद जो दिल में एक ठेस की तरह चुभती है, टीस की तरह चुभती है, पल पल उनके गीतों को हमारे जहन में ले आती है। उन्हीं गीतों में से एक गीत